भगवान जो चाहेगा सो हो जाएगा। भगवान चाह रहा है कि सब शराबी हो जाए यहां। देखते देखते ऋषियों का देश, कोई नाम पूछता है क्या नाम है तो फलना, गोत्र क्या है तो भरद्वाज। ऋषि संतान होने का प्रमाण देते हो कि हम ऋषि संतान है, और शाम को चले गए कहें त्रिवेणीगंज तब हो जाते हैं सीसी संतान। सीसी संतान होने वाला कभी ऋषि संतान नहीं होता है। जीवन पर धब्बा नहीं लगाओ। ये सारे लोग शराबी होते जा रहे हैं। इतनी दुश्मनी हो गई आपके भगवान को इस समाज से। रात दिन बलात्कार की दुर्घटनाएं अखबार में छपी रहती है। भगवान यही चाहता है क्या? आज सामूहिक नरसंहार हो रहा है। भगवान यही चाहता है क्या? यहां तो एक बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। खूब दृष्टि दौड़ा करके देखो धर्म बचता कहां इस देश में। यहां तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक इंस्पेक्टर गया था किसी स्कूल में, थोड़ा सा उसका दिमाग का फीता ढीला था। इंस्पेक्टर गए हैं किसी स्कूल में, उपस्थिति बही लेकर के ले लिया, बच्चों की हाजिरी शुरू कर दी। लड़के सब कहते जा रहे थे, अध्यापक समझते बड़ा झक्की आदमी है, पता नहीं क्या लिख देगा। एक दो तीन बच्चे उपस्थित श्रीमान उपस्थित श्रीमान कहते जा रहा है। जो लड़का 7 नंबर पर उपस्थित श्रीमान कहा था, 11 नंबर की संख्या उच्चारी गई उस इंस्पेक्टर के द्वारा, तो लड़का कह दिया उपस्थित श्रीमान। ध्वनि में समता हो गई। इंस्पेक्टर ने समझा कि यह लगता है कि पहले भी उपस्थित श्रीमान कहा है। काहे लड़के खड़े रहो, इसके पहले भी तो उपस्थित श्रीमान कहा है क्या? कहा सर क्षमा कीजिए, ओरिजिनल हम 7 नंबर का विद्यार्थी हैं, 11 नंबर का विद्यार्थी क्रिकेट खेलने के लिए गया था, हमको कहा गया था कि अनुपस्थिति नहीं लगे जा, श्रीमान कह देना उपस्थित। क्लास टीचर से इंस्पेक्टर ने कहा इस लड़के ने हमको धोखा दिया, 7 नंबर का विद्यार्थी 11 नंबर के विद्यार्थी के नाम पर उपस्थित श्रीमान कह दिया, कि धोखा देने में विद्यार्थी को तुमने रोका क्यों नहीं, लॉ सर्विस बुक लिखेंगे तुम्हारे खिलाफ कुछ। कहा कि श्रीमान जी क्षमा कर दीजिए, हम भी क्लास टीचर नहीं हैं। जो क्लास टीचर था वो क्रिकेट देखने के लिए गया है, उसी के बदले में हम पढ़ा रहे हैं। इंस्पेक्टर कहा जाओ हम भी ओरिजिनल नहीं हैं। जो इंस्पेक्टर था वो क्रिकेट देखने गया है, उसी के बदले में इंस्पेक्टर सब तो यहाँ क्रिकेटे देख रहा है, हम बाबाजी लोग हैं क्रिकेट देख रहे हैं। साधुता पर 12 बज रहे हैं, साधु साधुता की रक्षा नहीं कर रहा है, शिक्षक अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, माता पिता अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, नेता अपने नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासक अपने नियम का पालन नहीं, कौन संभालेगा इस देश को? आइए मैंने कहा कि दो जो बेकार का बोझ पढ़ा दिया है आप लोगों को कि भाग में जो लिखा होगा सो होगा, अब भगवान जो चाहेगा सो होगा, ये आपको अपाहिज बना करके रख दिया है। कुछ नहीं लिखा है भगवान, आ कुछ नहीं करता है भगवान, आप जैसा करते हो वैसा होता है। खेत में जैसी फसल लगाते हो वही फसल उपजती है। यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो हिस्ट्री, तो तुम्हारे दिमाग में कोई फिलोसफी घुसा देगा क्या? है दुनिया में कोई ऐसी शक्ति कि आप पढ़ते हो इतिहास तो आपके दिमाग में भूगोल घुसा दे, आप पढ़ते हो दर्शन शास्त्र तो आपके दिमाग में राजनीति विज्ञान घुसा दे? यूनिवर्सिटी में हम जो विषय पढ़ते हैं उसी में हम पारंगत होते हैं। खेत में जो बीज बोते हैं वही फसल काटते हैं। इस कर्म की मर्यादा को सब लोग समझो, प्रावलंबन को छोड़ दो। बस एक नियम रखो जहां से मैंने अपनी बात शुरू की, सुधरो और सुधारो।
समझो और समझा दो, बनो और बनाओ, सभी आदर्श बनो, परिवार समाज देश को आदर्श बनाओ। एक संकल्प लेकर के यहां से हम जाएं। मैं आज कहना ये चाह रहा था कि हमारे जीवन की दो दिशाएं हैं, विषय मेरा आज यही था। कल भी मैंने कहा था कि अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि समष्टि जीवन में दो रूपों में, एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। अध्यात्म का विश्लेषण मैंने कल ही कर दिया था। उस अध्यात्म का प्रतिफलन व्यष्टि समष्टि जीवन में दो रूपों में है, प्रेम और ध्यान। अपने आप को सबके अंदर झांकना प्रेम मार्ग है, जिससे व्यवहारिक समरसता आ जाती है। इस पर काफी चर्चा कल हो चुकी थी। और दूसरा पक्ष है अध्यात्म का ध्यान। अपने आप को सबके अंदर देखना प्रेम मार्ग है, अपने अंदर उतर करके अपने आप को झांकना ध्यान मार्ग है। सभी भाई बहन अपने अंदर उतरने का प्रयास करें, अपने आप को झांकने का प्रयास करें। ध्यान का मतलब ही होता है अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सभी भाई बहन आत्म सर्वेक्षण करें, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, वाचिक स्थिति कैसी है, कायिक स्थिति कैसी है, इन तमाम स्थितियों को ठीक करना ध्यान है। इसके बाद देखिए आपके जीवन में सुख तो आएगा, सुख आ जाएगा। इन जीवन का जो चरम और परम लक्ष्य है शांति, वो शांति आएगी ध्यान से। शांति ही हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। इसके लिए एक उदाहरण देकर मैं अपनी बातों को विराम दे दूंगा। अब भगवान कृष्ण से पूछ दिया लोगों ने कि शांति लाभ कौन करता है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शांति लाभ कौन करता है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम में कि आपूर्य मानम मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति जदवत तदवत कामाह जंग प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनो तीन काम कामी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण कहते हैं आपूर्यमाण, पूर्यमाण है समुद्र, आसमंतात पूर्यमाण आपूर्यमाण, सभी तरह से जो पूर्ण है कौन समुद्र, आपूर्यमाण है सभी तरह से समुद्र, पूर्ण है, अचल है और प्रतिष्ठित है, एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वालों की तुलना भगवान कृष्ण ने समुद्र से दी है। समुद्र आपूर्यमान है, सभी तरह से पूर्ण है और अचल है और प्रतिष्ठित है। उसमें चारों तरफ से कोसी, कावेरी, गोदावरी, गंगा, दर्जनों नदियां चारों तरफ से घहराती हुई आती हैं और समुद्र में लीन हो जाती हैं। समुद्र में तूफान आता है।